कर्ज लेकर विदेश भागने वाले कारोबारियों पर ईडी का कसता शिकंजा। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी की 9371 करोड़ की संपत्ति सरकारी बैंकों को की गई ट्रांसफर। ईडी के पास है बैंकों के कुल लॉस का 80.45%। पीके और पवार की मुलाकातों ने बढ़ाई सियासी हलचल। तीसरी बार एनसीपी चीफ शरद पवार से मिलने पहुंचे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर। एनसीपी को महाराष्ट्र में मजबूत बनाने के लिए पीके की मदद लेना चाहते हैं पवार। कोरोना का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने लिखा ब्लॉग। राज्य और केंद्र सरकार की भूमिका का किया जिक्र। कहा आपसी भागीदारी से संसाधनों की उपलब्धता संभव हुई। सिद्धू के साथ लड़ाई में भारी पड़ते दिख रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह। कांग्रेस हाईकमान कैप्टन के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए तैयार। सिद्धू को रहना पड़ सकता है मंत्री पद से ही संतुष्ट। चुनाव प्रचार में मिल सकती है जिम्मेदारी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लगाया केंद्र सरकार पर वैक्सीन नहीं देने के आरोप। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा झूठ की राजनीति कर रही है केजरीवाल सरकार। 21 जून तक दिल्ली में सरकार के पास थे 11 लाख डोज, 9.9 लाख डोज अभी भी बाकी। भागलपुर जदयू विधायक गोपाल मंडल के बयान से नाराज हो सकती है बीजेपी। नीतीश कुमार को बताया प्रधानमंत्री पद का दावेदार। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला जल्द ही आ सकते हैं जेल से बाहर। जेबीटी भर्ती घोटाले में जाना पड़ा था जेल। तिहाड़ जेल में चौटाला की हो चुकी है सजा पूरी। कागजी कार्रवाई में जुटे चौटाला के वकील। बीजेपी महासचिव अरुण सिंह ने किया साफ यूपी विधानसभा चुनावों में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही होगा चुनाव। बीजेपी की ओर से योगी ही होंगे सीएम पद के उम्मीदवार। सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने किया दावा यूपी विधानसभा चुनाव में 40-50 सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी। कांग्रेस और बसपा के साथ गठबंधन से किया इनकार। यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर चिंतित बीजेपी चुनाव से पहले हिंदुत्व को धार देने की कोशिश। बैठकों में बूथ पर फोकस और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की बनाई जा रही रणनीति। लाहौर में लश्कर आतंकी हाफिज सईद के घर के पास जोरदार बम विस्फोट। 2 लोगों की मौत, 17 घायल। काफी दूर तक सुनी गई विस्फोट की आवाज। कई घरों के शीशे टूटे। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने बढ़ाई दुनिया की परेशानी। अमेरिका में महामारी के एक्सपर्ट का दावा डेल्टा वेरिएंट से बचने के लिए जल्द से जल्द वैक्सीनेशन पूरा करने की जरूरत। अफगानिस्तान से सेना की वापसी प्रक्रिया धीमी कर सकता है अमेरिका। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी बोले अफगानिस्तान में स्थितियां बदल रही हैं। तालिबान लगातार हमले और हिंसा को दे रहा है अंजाम। सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या को लेकर अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स का बड़ा दावा। खशोगी की हत्या में शामिल सऊदी अरब के 4 सदस्यों को अमेरिका में मिली थी पैरामिलिट्री ट्रेनिंग। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने कहा पब्लिक डोमेन में चर्चा मेहुल चौकसी को किडनैप कर ले जाया गया डोमिनिका, लेकिन इस बात के नहीं है पक्के सबूत। भारतीय बाजार में जल्द आ सकती है अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन। सीईओ अल्बर्ट बोलरा ने हर साल होने वाले बायोफार्मा एंड हेल्थ केयर समिट में कहा फाइनल स्टेज में है मंजूरी मिलने की प्रक्रिया। लगातार बढ़ रही कच्चे तेल की कीमतें, पेट्रोल डीजल के दामों में नहीं आएगी गिरावट। $86 तक जा सकता है कच्चा तेल। एक्टर कार्तिक आर्यन ने अपकमिंग फिल्म का मोशन पोस्टर किया जारी। सत्यनारायण की कथा में नजर आएंगे कार्तिक। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त डायरेक्टर समीर विद्वांस करेंगे निर्देशित। महिला क्रिकेटर मिताली राज की बायोपिक फिल्म शाबाश मिथू को मिला नया निर्देशक। श्रीजीत मुखर्जी करेंगे तापसी पन्नू की फिल्म को डायरेक्ट। विश्व टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप का आज होगा फैसला। 5 दिन का खेल पूरा होने के बाद आज अतिरिक्त दिन खेला जाएगा मुकाबला। मैच के 2 दिन बारिश के कारण हो गए थे रद्द। अभी भी मैच के परिणाम निकलने की है उम्मीद। टेस्ट ड्रॉप हुआ तो भारत और न्यूजीलैंड बनेंगे संयुक्त विजेता।